ऑन दैट डे इट वॉज सैटरडे, मैं घर से 10 बजे आया अपने ऑफिस पे, और ऑफिस पे जो ही मैं बैठा एक लड़का आया, मुझे जी सौंप भर दिया, तो नमन हाउ था सौंप का नमन दिखा, मैंने दिखाया उसने उधर फायर पिस्टल फायर किया मुझे 3 बार, यहाँ और तब ही उसमें माई हेड वो इधर मुझे गोली लगी, तो मैं मरा नहीं, थैंक गॉड मुझे हॉस्पिटल गया, दादा ये वेंट टू दिल्ली, वहाँ सेटल हो गया, वहाँ कारोबार किया, खुदा ने बहुत बरकत की। शाह हमदान साहब, दसगीर साहब, शाहरी पर्वत, खीर भवानी, इनकी बड़ी याद आती थी। वहाँ दिल्ली वालों ने भी जो इतना प्यार दिया कहने की बात है, और वो प्यार इसके सामने फीका पड़ा, यहाँ के लोग यहाँ के लोग अलग हैं, वी आर ऑल एंजल्स, हम फरिश्ते हैं, हम खुद में कहूँ वी आर ऑल फरिश्ते, क्या था गो तावन तो खुशी। मेरे पास एक यहाँ है, कोई जेंटलमैन आया, उसने मुझे इतने बादाम दिए और इतनी टॉफी दी, आई सर थैंक यू वेरी मच, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, कहता नहीं, मैं कहा मे आई नो हु यू आर, वो आदमी कहता है मैं कश्मीरी और मैं अपने बाप के पास आया, कश्मीरी अंकल के पास आया, मैंने एकदम ले लिया, मैं कहा ओके, फिर उतना नहीं टॉफी मिठाइयाँ क्या क्या तोहफे मेरे पास हैं, बोला मैंने नहीं चाहा कि इनको तकलीफ लगे, सब मुझे माला ये डाल दस्तार में देखी शीन छ, और ये क्या चाहिए देवगी में लौटा गाजुकुजा में मेरे फादर साहब की दुकान थी, मैं आता जाता था कश्मीर, मेरे बेटे कश्मीर में रहते हैं। ऑल गुड और फाइन अशी शरीफ लोग ऐसे अशरीफ वे हैव बीन टेक आवर राइट को फॉर बाय होम बाय पॉलिटिशियंस, जिनकी कुर्सियाँ गई, जिनके वो पोपो वाली गाड़ी गई, और चैन से रहने देंगे वो हर वे इस्तेमाल करते हैं। आप पहले यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? करण नगर में आज भी रहता हूँ, वहीं भी रहता हूँ, अपने घर आया, मेरे घर को किसी ने छेड़ा नहीं, इट इज ऑल इंटैक्ट। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, बैर का कहूँगा, 19 जनवरी की रात को सारे मस्जिद शरीफ से नगारे बजाए गए फ्रॉम वन एंड ऑल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ वैली, कश्मीरी हम क्या चाहते हैं आज़ादी, ऐ काफिरों ऐ ज़ालिमों कश्मीर हमारा छोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, फिर ये चलो ये हुआ, फिर नगारे बजे गए, तीन बजे आवाज़ें दी, तो उससे लोग घबरा गए, चलो उसके बाद भी 4-5 दिन लोगों ने देखा हालात ठीक हो रही है कश्मीर में, होता है तो 4-5 दिन ठहरे, उसके बाद पोस्टर निकले हम क्या चाहते हैं आज़ादी पटोवरे पटनेसर, जब इज्जत पर बात आई किसी बेटी के बारे में ऐसा लफ्ज़ है तो इन लोगों ने कहा शायद ये हमारी बेटी को ले जाएंगे, बिकॉज कश्मीरी हिंदू बड़े सुंदर थे, टोटली हालत चेंज है, आज अच्छे दिन आ गए, नॉट मोदी के अच्छे दिन नहीं है भाई, आई एम नॉट टॉकिंग मोदी, अच्छे दिन कश्मीरियों के आ गए हैं, मोदी अपना करे क्या करना है, उसने कश्मीर पर तो वो वोट बैंक समझाया उसको करे, उसने भी कुछ नहीं किया कश्मीरियों के लिए।